एवरीवन, आज हम करेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। देखिए, इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और आपके हर एग्जाम में आते हैं। सो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनकी ट्रिक समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है और कैसे नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे आज हम। कौन से एग्जांपल्स करेंगे? प्रैक्टिकली मीन्स हम खुद करके पेज कटिंग काटेंगे और हम फिर खुद चीज़ों से देखेंगे। ठीक है, सो देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ क्या कि आपके पास सपोज एक पेपर है और अगर आपके पास डैश डैश डॉटेड लाइन से अगर आपको डिनोट किया गया, इट मींस उस देखो आपको एरो किधर दिखाया गया, इधर दिखाया। इट मींस अगर आपके पास एक पेपर है, सपोज ये आपके पास एक पेपर है, आपके पास एरो इधर दिखाया, मींस डॉटेड लाइन से आपके पास इधर कन्वर्ट किया, इट मींस इस पेज को यहां से ऐसे मोड़ा है और अब ये पेज हमारे पास इसकी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अभी हम इस पेज को इस फॉर्म में ले लेते हैं, चलो ऑप्शन देखेंगे बाद में। अब बोल रहा है कि आपके पास ये जो एरो है ना, ये ऊपर की तरफ है, मींस यहाँ से ऊपर की तरफ इसको टर्न किया गया है। मींस आपके पास ये जो एरो है, आपने इसको यहाँ से देखो ऊपर की तरफ ऐसे टर्न कर दिया, तो ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है? बोला कि अगर आपके पास एक डॉट है, यहाँ पर अगर आपके पास एक डॉट बना दी जाए, यहाँ पर अगर आपके पास एक डॉट बना दी जाए, तो बताओ इसको जब ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो डॉट होगी ना, मीन्स ये पूरे में डॉट होगी, यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ तक डॉट होगी वो, समझ पा रहे हो? तो बोल रहे हैं कि अगर इसको आप ओपन करोगे, इट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास निशान होगा, मार्क होगा, इसके अंदर भी आपके पास मार्क होगा और यहाँ पर भी मार्क होगा, सब जगह आपके पास मार्क ही मार्क होगा। सो इट मीन्स वॉट कि आपके पास कैसी इमेज बनने वाली। अब सुनना मेरी बात, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कौन सा? मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज, आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे? देखो मैंने इस पेज को, सुनना मेरी बात, कॉन्सेप्ट सुनना, ये आपके पास ऊपर की तरफ फोल्ड हो रखा है ना, मींस आपके पास ये जो पेज है ये आपके पास ऊपर की तरफ फोल्ड हो रखा है। जब आप इसको वापस रीओपन करोगे, हम चलेंगे वापस, पहले ये स्टेप पहुँचेंगे, फिर ये स्टेप पहुँचेंगे और फिर हमारे पास पूरा पेज बन जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको रीओपन किया, मीन्स तो आप एक बार बताओ नीचे की तरफ कौन सी इमेज होती है? वाटर इमेज होती है। नीचे की तरफ कौन सी इमेज होती है? वाटर इमेज। तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, क्योंकि वाटर इमेज में क्या होता था, टॉप हमारे पास बॉटम में कन्वर्ट हो जाता था और बॉटम हमारे पास टॉप में कन्वर्ट। सो मैंने क्या किया, मैंने, आप देखो ये जो था इसको जब मैंने नीचे की तरफ कन्वर्ट किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ये हमारे पास कुछ ऐसा था तो हमारे पास ऐसा आ गया। ठीक है, इट मीन्स आपके पास, मैं दूसरे स्केच से करके दिखा देता हूँ, यहाँ से ये हमारे पास कुछ यहाँ पे रहेगा। जब आप इसको रीओपन करोगे, जब आप इस पूरे पेज को रीओपन करोगे, मीन्स जब आप इस तरह फोल्ड करोगे, तो अब ये हमारे पास किसका काम करेगा? अब हमारे पास ये मिरर इमेज का काम करेगा, समझ पा रहे हो? देखो समझाने के लिए, ये किसका काम करेगा? मिरर इमेज का। मीन्स ये जो डॉटेड है ये हमारे पास इधर आ जाएगा और ये जो डॉट है इसका इमेज हमारे पास कुछ इधर बन जाएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो आपके पास वाटर इमेज और मिरर इमेज का ही काम है कुछ ऐसे। हमने इसको ऐसे फोल्ड किया था, फिर हमने इसको कुछ ऐसे फोल्ड किया, जब इसको ओपन किया तो कुछ ऐसे, और फिर हमने जब इसको ओपन किया तो कुछ ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी इमेज काम आई? जब नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास काम आएगी वाटर इमेज, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास साइड में जाएगी, साइड की तरफ ओपन होगा तो हमारे पास काम कौन सा आएगा? मिरर इमेज। ठीक है, इसलिए उस मिरर और वाटर इमेज को आप ढंग से देखिएगा। और वाटर इमेज और मिरर इमेज का एक ही कॉन्सेप्ट है क्या, कि मिरर इमेज के अंदर हमारे पास जो लेफ्ट में है वो राइट में और जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा। और वाटर इमेज में क्या होता था? वाटर इमेज मीन्स नीचे की तरफ जो हमारे पास टॉप में होगा वो हमारे पास बॉटम में, और जो हमारे पास बॉटम में था वो हमारे पास टॉप में चला जाएगा। प्लीज़ आप इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर अभी तक आपने ये वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो। ठीक है, तो आपके पास अब देखो ये ऑप्शंस है। पहली चीज़, आप नंबर देखो दो तरीक़ों से हम काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बॉक्स है तो इसका एक इधर बनेगा और दो इधर, तो चार बनने वाले हैं। तो दो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात है इन दोनों में से कौन सा होने वाला है। देखो ये इसके नज़दीक में है ना, तो ये भी नज़दीक में, आपस में सब पास पास है, तो ये हमारे पास दूर दूर है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? दिस वन। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? सो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाना होगा वाटर इमेज एंड मिरर इमेज के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना होगा, और डोंट वरी, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है ये क्वेश्चन है, बोला अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो हमारे पास कौन सी इमेज बनेगी? देखो जब भी आपके पास एक स्क्वायर शेप आएगी तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको 1/4 पार्ट लेना होगा। जैसे आपके पास ये है तो आप इसका 1/4 अपने, देखो अपने ही माइंड में, जैसे आपको दिख रहा है
आप अपने ही माइंड में आप इसका वन ऐसे इमेज बना दोगे क्योंकि चार टाइम्स फोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। बोल रहा फोल्ड होने के बाद कौन सा इमेज दिखने वाला है, आफ्टर फोल्डिंग विच इमेज विल बी शोन, ये क्वेश्चन आने वाला आपके पास। तो अब आप देखिए कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है, क्या फर्स्ट पार्ट देखते हो, फर्स्ट पार्ट क्या ये वाला पार्ट आपको कहीं दिख रहा है, ये हमें दिख तो रहा है, बोलो यस और नो। तो ये पार्ट हमें एज इट इज दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट हमें एज इट इज दिख रहा है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं, चलो सेकंड पार्ट हमारे पास 00 है, यहाँ पे हमारे पास 00 का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जब आपके पास ये पेपर था और जब आपने इसको फोल्ड किया तो आपके पास कुछ ऐसा इमेज बन गया, और यही तो हमारे पास ऑप्शन में है, देखिए ये वाला इमेज, ठीक है ना। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर हो जाएगा। तो समझना होगा जब आप इसको मिरर इमेज बनाओगे, देखिए आपको जब खोलोगे इसको तो कैसे खोलोगे, आप इसको ऊपर की तरफ खोलोगे, मींस इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, नीचे है जो टॉप, इसका बनेगा वाटर इमेज, जो बॉटम में है वो बन जाएगा टॉप में, जो बॉटम में है तो हमारे पास ये चला जाएगा हमारे पास टॉप में, बॉटम में था टॉप में चला गया, और ये तो हमारे पास एज इट इज था। अब क्या बनाएंगे हम इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज कैसे, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, ये देखो इस एंड के बिल्कुल पास है ना, ये इस एंड के पास है, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये इस एंड के पास हो जाएगा, तो अपोजिट चला जाएगा, ठीक है। जिसका वाटर इमेज मिरर इमेज अच्छा है वो डेफिनेटली कर देगा इन क्वेश्चंस को। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल हैं, थोड़ा सा आपको सोचना होगा और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, बोल रहा आपके पास क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा अच्छा लेके आया हूँ आपके लिए। अब बोल रहा आपके पास सपोज एक पेपर है, ठीक है, और बोला देखो क्वेश्चन के आपको पैटर्न के हिसाब से ही चलना है। बोला गया है कि आपको कि अगर आपको चार स्टेप में आपको पेपर फोल्ड करना है तो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला जाए उसी की तरफ से। बोला आपके पास सपोज ये पेपर है, देखो डॉटेड लाइन से, इट मींस आपको पेपर इधर मोड़ दिया गया है, तो हमने क्या किया, इस पेपर को इधर मोड़ दिया है, ठीक है, हमने इस पेपर को इधर मोड़ दिया, लेकिन ये पेपर इस तरफ है, मींस ओपन फेस आपका इस तरफ है, ठीक है, पेपर को हमने ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा। अब डॉटेड लाइन इधर है, मींस आपका पेपर इधर से मुड़ के इधर गया है, क्योंकि ये डार्क लाइन है, तो आपका पेपर अब यहाँ से मुड़ के, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, यहाँ से मुड़ के आपके पास पेपर इधर गया है, क्लियर है, पेपर आपके पास ऐसे था, अभी पेपर मुड़ के यहाँ से इधर गया, तभी तो डॉटेड लाइन बची, क्या इधर कोई पेज बचा, इधर कोई पेज बचा ही नहीं, तो डॉटेड लाइन हमारे पास हमेशा एम्प्टी स्पेस होगा। ये चीज़ें याद रखनी कि पेपर किस तरफ मुड़ रहा है, अगर ये याद नहीं रहेगा, ये ध्यान नहीं दोगे पेपर किधर मुड़ा तो हो जाएगी दिक्कत। अब देखो डॉटेड लाइन हमारे पास यहाँ पे है, मीन्स आपका पेपर एक बार और मुड़ा हुआ है, समझ में आ रही है मेरी बात, आपके पास यहाँ डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड ये भी डॉटेड है और ये भी डॉटेड है, मीन्स आपका पेपर इधर नहीं है, तो यहाँ पे पेपर नहीं होगा, तो इट मीन्स वॉट कि आपका जो पेज है वो हमारे पास एक बार और मुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से करके, जस्ट मैं कर देता हूँ अच्छे से, ये मैंने कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ ऐसे भी हो सकता है और या फिर हमारे पास नीचे की तरफ भी हो सकता है, उससे आपके पास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, और पड़ेगा तो चलो देखते हैं कि कैसे फर्क पड़ेगा। अब देखो क्या बोला गया आपको कि अगर अब आपने एक यहाँ से कट लिया, अब सुनना, अब आपके पास काम आएगा मिरर इमेज और वाटर इमेज, समझ में आ रही है मेरी बात। सो अगर आपने एक यहाँ से कट लिया तो जब आप इसको ओपन करोगे, आप देखो आपके पास अब इंक्लाइंड एक्सिस पर मिरर इमेज है, यहाँ पे मिरर इमेज बन गया, मींस क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे, सुनो मेरी बात, जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा, तो मिरर कहाँ लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है इसके दोनों के बीच में, ये मिरर लगा हुआ है इस बारी हमारे पास, ठीक है। तो सोचो जरा, आपने इसको ओपन किया, चलो मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ करके, हमने यहाँ पे कट ले लिया और यहाँ पे कट लिया, तो सोचो जरा मैंने इस पेज में मैंने कट लगा दिए, ठीक है, मैंने कट लगा दिए दो, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये जो पेज था यहाँ पे जो था कट लगा दिया, और जो नीचे की तरफ था मैंने कट लगा दिया। अब जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो जब मैंने इसको ओपन किया तो क्या हो रहा है, ये जो इस तरफ फेस था ये हमारे पास ऊपर की तरफ चला गया, ये इसका मिरर इमेज है इंक्लाइंड एक्सिस पर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये पकड़ेंगे कैसे, वो चीज़ समझो बाद में। एक चीज़ तो क्लियर है, जब ये इधर ओपन होगा तो ये इधर इसके साथ जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, और ये हमारे पास इधर था, ये जो एंगल कटा हुआ था, जब इसका मिरर इमेज लेंगे, इस एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेंगे, तो ये हमारे पास कुछ कटा हुआ यहाँ पर आएगा,
हमें दो चीज़ों को पकड़ लेना और बाकी इन दो चीज़ों से हम दो तीन ऑप्शन डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ये आने वाला, ये आने वाला, देखते हैं। चलो इट मीन्स आपके पास और चीज़ें क्या कहाँ से क्या क्या आने वाली है, ये चीज़ क्लियर आ गई आपको। देखो हमने यहाँ से ओपन किया, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया था, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। तो आपके पास जब कट के आपके पास ये आया तो आपके पास ये बना कुछ, मतलब ये आपके पास कटा हुआ पोर्शन ये था, ये था। इट मीन्स आपके पास देखो ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये दिख रहा है, दो पोर्शन दिख रहे हैं ना, दिस वन एंड दिस वन, एक और दो, एक और दो मुझे सिर्फ इसमें दिख रहा है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक पोर्शन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो दिख ही रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही पोर्शन है। मीन्स आपका ऑप्शन सी हो गया। कुछ चीज़ें पकड़नी है, उसी से आंसर आ जाएंगे आपके, डोंट वरी। इसका इसका मिरर इमेज बना, ये बन गया। चलो ठीक है, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो जब आपने इस एक्सिस के अलोंग खोला तो ये जो नीचे था ये अब इसके अबाउट क्या बनेगा, वाटर इमेज। इसके अबाउट क्या बनेगा, वाटर इमेज। मींस अब ये इस तरफ था ना टॉप, देखो ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल में अभी आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में टॉप ऊपर है, तो ऊपर जाएगा तो टॉप कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अभी यहाँ पर वाटर इमेज लेंगे तो इस ट्रायंगल में टॉप ऊपर है, तो जब मिरर इमेज लेंगे, वाटर इमेज लेंगे तो टॉप कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। मीन्स हमारे पास दो कट ऐसे लगने वाले हैं, समझ आ रही है मेरी बात। जब ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है तो जब इसके अबाउट वाटर इमेज लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है, वो बन गया ना दो। और जब इसका हमने मिरर इमेज लिया तो कुछ ऐसा बना, और जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसा, और जब इसका वो मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसा। तभी तो हमारे पास, हमने जो आपके सामने कट किया देखो, और हमारे पास क्या बन रहा है, यही डायग्राम बन रहा है जो आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो आपको सिर्फ क्या समझना है, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज समझना है, इस एक्सिस के अबाउट वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। मैंने सिर्फ दो सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दिया था इसका, मैंने देखा ये था, इसका मिरर इमेज ये होगा, तो दो मैंने ऐसे बॉक्स देख, ऐसे कट देखे, दो कट मेरे पास सिर्फ इसी में ही थे, आंसर टिक किया और आगे बढ़ गया। चीज़ें समझ में आ रही है, देखो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा वैसे, डो नॉट वरी अबाउट दैट। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहे क्या कि आपके पास एक बॉक्स है, देखना डॉटेड हमारे पास इधर है, इट मीन्स आपका जो बॉक्स है वो हमने इधर फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये आपका सपोज एक बॉक्स है, यहाँ पे डॉटेड है, इट मीन्स हमने इसका इधर फोल्ड कर दिया। देखो मैंने इसका इधर फोल्ड कर दिया, ये समझ पा रहे हो, ये ऐसे था कुछ, मैं इसको इधर फोल्ड कर दिया। अब बोल रहा है क्या कि देखो यहाँ से डॉटेड है, इट मीन्स आपने इसको इधर फोल्ड किया है, आपने इसको इधर फोल्ड किया है। अब जैसे जैसे हमने फोल्ड किया था ना, जब ओपन करेंगे तो प्लीज़ आप वैसे ही ओपन करना, पहले इधर ओपन करना बाद में इधर ओपन करना, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इधर खोलेंगे फिर इसके अबाउट खोलेंगे। तो अब देखो सुनना मेरी बात, ये जब हम इधर खोलेंगे तो यहाँ पे किसकी कौन सी इमेज बनेगी, जब नीचे की तरफ होता है तो कौन सी इमेज बनती है, वाटर इमेज बनती है। और वाटर इमेज में क्या बनता है, टॉप बॉटम में, बॉटम टॉप में, तो जानते ही हो आप। तो आपके पास जब ये लाइन कुछ इंक्लाइंड ऐसे बन रही है, देखो थ्री सर्कल्स जो ऐसे बन रहे हैं, 1 2 3, तो अब ये कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, मीन्स ऐसे बन जाएंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। और आपके पास ये बॉक्स जस्ट इस लाइन के ऊपर था तो अब ये बॉक्स यहाँ बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये भी है, ठीक है, आप पूरा डायग्राम बना ही दो। सेकेंड वे एक और है, पता आप जानते हो, देखो इसमें एक बॉक्स में कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4, और आप जानते हो जब ओपन भी करोगे तो 1 2 3 4 बॉक्स खुलने वाले हैं, तो एक बॉक्स में चार, तो चार बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 16। आप काउंट कर लेना 16 बॉक्सेस किसमें है, ये टाइम ले लेगा, हमें टाइम लगाना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, थ्री इधर हैं तो एक इधर बन जाएगा। सो देखो 3 और 3 6 और दो इधर हैं, 7 7, तो यहाँ पे तो दो ही आ रहे हैं, ये यहाँ पे तो दो ही आ रहे हैं ना, तीसरा तो हमें दिख ही नहीं रहा, ये तो बहुत सारा स्पेस दिख गया, तो पहला ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। 1 2 3 और फिर हमें क्या दिख गया, एक होल दिख गया। इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है, आगे चेक करते हैं। तो देखो 1 2 3 सर्कल और 1 2 3 सर्कल, और इधर के इधर, इसके इधर, बिल्कुल ठीक, हो सकता है। अच्छा अब देखो, जब मैं इसके अबाउट मिरर इमेज लूँगा है ना, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इधर क्या दिखेगा, जो हमें इंक्लाइंड एंगल पे ऐसे दिख रहा था वो हमें कुछ ऐसे दिखेगा, और जो हमारे पास इधर था वो हमारे पास इधर हो जाएगा, समझ में आ रही मेरी बात। और जो हमारे पास 1 2 3 सर्कल इधर थे, समझ क्लियर है, तो हमें वो कैसे दिखेंगे, 1 2 3 दिखेंगे। जो सर्कल हमारे पास यहाँ पे था वो सर्कल हमें यहाँ दिखने वाला है। मीन्स आपके पास इस पोर्शन में तो कुछ नहीं दिखने वाला,
क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस सोल्व होते चले जाएंगे, ठीक है? सो हमने क्या किया, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पोर्शन हमारे पास पूरा ओपन है, ये पूरा ओपन है, इट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, आप 16 होने चाहिए ना, अभी मैंने काउंट करके बताया। काफ़ी ये भी ट्रिक होती है कि आप काउंट करो फिगर्स को और आप ऑप्शन को डिलीट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ही हुए, तो 11 में कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप काउंटिंग द फिगर्स भी कर सकते हो, वाटर इमेज मिरर इमेज से भी कर सकते हो, ठीक है, बट काउंटिंग द फिगर्स हमेशा काम नहीं आने वाला। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। बोल रहे आपके पास ये क्वेश्चन है, देखो जरा, आपके पास अब क्या है, एक सर्कल है और सर्कल को देखो यहाँ पे डॉट लाइन है, मीन्स आपका सर्कल पहले इधर फोल्ड हुआ है, आपका सर्कल अभी इधर फोल्ड हुआ है और उसके बाद सर्कल को इधर फोल्ड किया। अब मैं क्या करूँगा, हमने एक पोर्शन लिया सर्कल का, जब आप सर्कल को रीओपन करोगे, मीन्स जब सर्कल को ओपन करोगे तो कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा मीन्स आपका जो वाटर इमेज होगा, यही तो वाटर इमेज होगा, इसके इसकी इमेज ऊपर क्या बनने वाली है, सिंपल है, ये ट्राइंगल नीचे की तरफ है तो हमारे पास ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ बन जाएगा, ये ट्राइंगल कुछ ऐसे है तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ रहने वाला है, और दो हमारे पास कुछ ऐसे हैं तो दो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात, इसका ऊपर तो ऑब्वियस है, एक तो हमारे पास एक बॉक्स बन गया, तो ढूंढ लो जरा एक बॉक्स, बॉक्स यहाँ पर भी है, बॉक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे बीच में नहीं है, यहाँ पे ऊपर नीचे है, तो ये तो हमारे पास हो नहीं सकता। अच्छा, एक जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, अब देखो ये बन गया ना, अब आधा सर्कल बन गया है, ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम, यहाँ पे कैसे पहुँचे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और चार हमारे पास ये बन गए। जब इसके अबाउट मिरर इमेज बनाने वाले होंगे तो कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज तो एज इट इज़ बन जाएगा और इस वाले बॉक्स का हमारे पास मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा, ये चार इधर थे तो चार हमारे पास यहाँ बन जाएंगे, इधर बन जाएंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम ढूंढ लो और आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे तो 5 आ गए, तो ये तो हमारे पास होगा नहीं, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो गया, यहाँ पे तो केवल चार ही हैं। तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो बाय वॉचिंग द फिगर ओनली। कैसे है, देखो यहाँ पे दो थे ना, अब आपको पता है कि चार पीस होने वाले, एक डायग्राम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो तीसरा और चौथा, भाई 1 2 3 4, और हमें दिख रहे हैं कि दो तो हमारे पास बने हुए थे, तो दो को चार से गुना कर दोगे तो 8, मीन्स आपको आउट 8 काउंट कर लेने। अगर आपने यही काउंट कर लिया कि 8 आपके पास ये फिगर होगा तो आपका क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाएगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 8 हो गए हमारे पास, और हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ रही है बात? सो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन देखें, नोट डाउन आप करते रहिए साथ साथ, ठीक है? सो अब हम करते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, एक अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली एक अच्छा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है? देखिए कैसे, आप मेरी बात सुनेंगे, मैंने कहा आपके पास एक स्क्वायर पेज है और उसमें मैंने डायगनली, देखो अब मैंने मोड़ना है वो डायगनली मोड़ना है। अभी तक हम मोड़ते आए थे, कैसे मोड़ते आए थे, सपोज ये पेज था, अब हमने या तो हमने इस पेज को ऐसे मोड़ दिया या और फिर हमने इस पेज को ऐसे मोड़ दिया, हमें ऐसे नहीं मोड़ना, अब ये हो गया हमारे पास बेकार। अब हमें कैसे मोड़ना है वो देखते हैं, इसलिए मैं इसको ले आता हूँ रेड पेपर को। देखो रेड पेपर इसलिए लेके आ रहा हूँ आपके सामने ताकि मुझे क्लियरली दिख जाए। अब क्या बोल रहा है कि आपके पास एक रेड पेपर है और उस पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब हमें कैसे मोड़ना है, डायगनली मोड़ना है, मीन्स आपके पास इस पेपर को ऐसे मोड़ेंगे, देखो डायगनली है ना, डायगनली मीन्स आपने इस पेपर को ऐसे मोड़ा तो क्या होगा, और फिर आपने इस पेपर को ऐसे मोड़ा तो क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक है तो इसलिए कभी कभी ना, अगर आपको डिफ़िकल्टी लगे तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लिया करो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे वाटर इमेज लेता, मीन्स इसके अबाउट मोड़ता, तो हमारे पास ये 3 का ये 3 आ जाता, इससे ही मुझे पता चलता कि ये 3 आ जाता, लेकिन लेकिन अब हमें डायगनली मोड़ना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक एक्सपेरिमेंट कर दे रहा हूँ, आपको एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पे, कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज ये 3 था, क्या था मेरे पास, ये 3 था, जब मैं इसको डायगनली मोड़ूंगा तो हमारे पास क्या बनने वाला है, समझ में आ रही है बात? देखो क्या बनने वाला है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा हमारे पास, ये कुछ ऐसा बनेगा, लेटा हुआ बनेगा। जब भी डायगनली मोड़ेंगे तो 45 डिग्री इसका, 45 डिग्री इसका, 90 डिग्री हमारे पास टोटली चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री, और वो भी ऐसे लिया है तो हमने 90 डिग्री अपोजिट, ये हमारे पास इधर था तो हमारे पास ये इधर हो जाएगा, याद रखनी है आपको ये बात,
समझ में आ रही है मेरी बात? 90 डिग्री आपको कन्वर्ट करना होगा जब भी हम इंक्लाइन मोड़ेंगे। कैसे भाई? आपके पास अगर मैं मैथमेटिकली समझाऊं तो 45 डिग्री इसका और 45 डिग्री इसका, तो 90 डिग्री कन्वर्ट हो गया ना, तो 90 डिग्री आप चेंज कर देंगे। अब मुझे चेंज करना, देखो अब मुझे डायगोनली बनाना है इस तरफ। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री और वो भी अपोजिट। ये जब मैं इसका इधर डायग्राम बनाने वाला हूँ तो कैसे बनेगा? 90 डिग्री होगा, मींस ये ऐसे था तो या तो ये ऐसे बनेगा या ये ऐसे बनेगा, बट अपोजिट में। अब इधर फेस ओपन था ना, अब इधर फेस ओपन था इधर, तो हमारे पास इस तरह फेस ओपन हो जाएगा, मींस कुछ लाइक दिस। आप एक काम करना, एक पेज लेना, डायगनली लेना और उस पर डार्क कर देना, डार्क करते रहना, डार्क करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, और फिर इसको ऐसे चिपका देना। जब आप इस पर इस तरफ मोड़ोगे तो आपको एक हल्का सा प्रिंट दिखेगा और उस पर स्केच करना, आपको यही डायग्राम बनेगा। 90 डिग्री हमें चेंज करना है और ये जो फेस ओपन है तो ओपन फेस की तरफ, अगर इसका बैक फेस है तो इसका बैक फेस की तरफ, यही मैच होगा। ठीक है, अब जरा सोचो इसका हमने मिरर इमेज बनाना है तो क्या बनने वाला है। पहले तो आपका ये ना कॉन्सेप्ट अलग था, इसलिए मैंने इसको स्पेशली स्पेशल केस में लिया, उस पर मैंने 5 स्टार भी लगाए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे गलती कर देते हैं। सो 3 होगा तो हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री और ऐसे है तो इस तरीके से, मीन्स बैक को बैक से मिलाना है, अगर ऐसे है तो फ्रंट को फ्रंट से मिला देना है, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है, अब हमें इधर बनाना है। अब मैं इसको सोचो, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको कुछ ऐसे बनाऊँ तो इसका बैक से फ्रंट मिलेगा, ये तो पॉसिबल, गलत हो जाएगा ना हमारे पास, बोलो हाँ या ना? हमें बैक से बैक मिलाना होगा, फ्रंट से फ्रंट, मीन्स आपको अगर मैं कुछ ऐसे कहूँ, देखो ये बैक इसका बैक हो गया और हमारे पास इधर इसका बैक मिल गया, बैक से बैक मिल गया, ये हमारे पास ओपन फेस, ओपन फेस, ओपन फेस, ओपन फेस मिल गया, तो इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम होगा। सेम लेवल पर हमारे पास चीज़ें टर्न होती है, समझ में आ गई चीज़ों को? 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री आपको कन्वर्ट करना होगा, चीज़ें आपके मिल जाएंगी। तो दिस इज़ आपके ये क्वेश्चन थे। अब हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं बट किसी और फॉर्म में, सो स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, ये हमारे पास एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि आपको ये बोला गया कि इन विच आंसर फिगर द स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स द क्वेश्चन फिगर्स आर फाउंड। इट मींस देखो आपके पास ये जो फिगर बना हुआ है, दिख रहा है फिगर, इसमें जो भी एलिमेंट्स हमारे पास, देखो ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं, इन सारे फिगर्स को जोड़ के हमारे पास कौन सा फिगर बनने वाला है इन सब में से। ठीक है, तो हमें ये चीज़ हमें क्लियर करनी है। देखो कैसे करेंगे अब हम, अब सोचो जरा, हमें कुछ चीज़ें काउंट करनी हो, जैसे मैं कह रहा हूँ क्या, एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, तीसरा ट्राइंगल ये हो गया, चौथा ट्राइंगल ये हो गया, चार ट्राइंगल्स हो गए। अब ढूंढो कि चार ट्राइंगल्स हमारे पास किस फिगर में माउंटेड है, क्या हमारे पास चार ट्राइंगल्स इसमें है? देखिए जरा, देखिए चार ट्राइंगल, देखो ढूंढो जरा किसमें है हमारे पास चार ट्राइंगल्स। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि देखो इसमें तो हमारे पास कोई ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा, इसमें हमारे पास क्या कोई ट्राइंगल दिख रहा है? एक ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये वाला। ठीक है, और कोई ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारे पास ये दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये दिख रहा है, तीन, बट इसके अलावा हमें कोई ट्राइंगल दिख नहीं रहा, तो इससे बनने वाला है नहीं। अब बात करते हैं थर्ड फिगर की, देखो एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, थर्ड ट्राइंगल ये रहा, फोर्थ ट्राइंगल ये रहा। ठीक है, काम हो गया, हो रहा है। एक हमारे पास क्या बना हुआ है, दिस, ये शेप बनी हुई, देखो ये शेप हमारे पास इसका काम कर रही है। ठीक है, और बचे दो फेस, ये वन, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास इसका काम हो गया, ये हमारे पास इसका काम हो गया। इट मींस आपका फिगर नंबर थर्ड हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, इसका नाम हमारे पास क्या होती है, एम्बेडेड फिगर होती है, एम्बेडेड फिगर। ठीक है, मींस आपके पास टुकड़ों में शेप बने होंगे और आपको उनसे एक शेप हमारे पास कोई भी बनानी होगी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए कैसे बोल रहा है क्या कि आपके पास अगर एक स्क्वायर फेस था, ठीक है, और फिर आपको टर्न कर देना है इस लाइन के अबाउट और इस लाइन के अबाउट, तो क्या करना होगा हमें, और फिर आपको रोटेट कर दिया इस लाइन के अबाउट। देखिए अब तो हमारे पास, और फिर उसके बाद आपके पास तीन शेप दे दी, ये वाली, दो हमारे पास सर्कल दे दिए और एक हमारे पास ट्राइंगल दे दी। अब हमें क्या करना होगा, इस लाइन के अबाउट हमें क्या बनानी होगी, मिरर इमेज बनानी होगी। तो क्या मैं कह दूँ कि मिरर इमेज हम बना देंगे? देखिए कैसे, जब इधर दो सर्कल थे तो इधर भी दो सर्कल होंगे, और जब एक इधर ट्राइंगल था तो इधर भी ट्राइंगल होगा, लेकिन ट्राइंगल देखो ये हमारे पास इस ट्राइंगल का जो पॉइंट है वो किधर है, ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल का जो पॉइंट होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। अब आपको पहले ये जो चीज़ ढूंढनी है, एक दो तीन चार सर्कल दो ट्राइंगल, देखो यहाँ पे तो गलत हो गया क्योंकि सर्कल हमें चार तो हमारे पास यहीं पर ही हो चुके हैं, उसके बाद हमने फोल्ड किया ही नहीं है,
तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ये दो हो गए और ये दो हो गए, तो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ये हो सकता है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल बीच में आ गए, ट्राइंगल थोड़ा चाहिए बीच में हमें, हमें क्या चाहिए, हमें तो भैया सर्कल चाहिए चार, हमें तो सर्कल चाहिए चार, और वो हमें वो भी इस स्पेस पे, इस जगह पर, जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं इस फोर्थ फिगर की, कि हमारे पास यहाँ पे चार ट्राइंगल है, क्या हमारे पास यहाँ चार ट्राइंगल है, यस। देखो एक दो सॉरी चार सर्कल हैं, यस, और दो ट्राइंगल भी है हमारे पास। अब बात करते हैं इस फेज में और इस फेज में क्या आने वाला है, सुनना मेरी बात। अब ये तो क्लियर हो गया, ये फिगर भी नहीं था हमारे पास, दिस वन फिगर भी नहीं था, या तो ये फिगर हो सकता है या फिर ये फिगर हो सकता है, इन दोनों में से कौन सा फिगर होगा वो देखते हैं। अब देखो आप एक बात सोचो कि क्या आपके पास, देखो जब आपने ये पोर्शन को, इस पोर्शन को जब आपने इधर टर्न किया था, तो इसी सर्कल की तो मिरर इमेज बनेगी आपके पास यहाँ पर। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है मेरी बात, इस सर्कल की मिरर इमेज इधर ही तो बनेगी, और जो सर्कल यहाँ पे था उस सर्कल की मिरर इमेज यह बन जाएगी। क्या इस ट्राइंगल का कोई रोल है, इस ट्राइंगल का तो कोई रोल है ही नहीं, बस इस ट्राइंगल की मिरर इमेज बनेगी यहाँ पर, और वो हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, पहले हमने मिरर इमेज बनाई तो दो सर्कल बने यहाँ पे, तो एक दो तीन चार सर्कल हो गए, तो हमारे पास ये चार सर्कल हो गए, दो ट्राइंगल हो गए। बाद में इसकी मिरर इमेज बनानी थी, तो इसकी मिरर इमेज हमारे पास यहाँ बनेगी और सॉरी यहाँ बन जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए क्या है। चलो अब आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले आपको पेज को इधर टर्न किया गया, फिर इस पेज को इधर टर्न किया गया, और फिर आपके पास एक शेप काट दी गई ये वाली, या फिर बना दी गई ये वाली, जब आप इसको ओपन करोगे तो कौन सा शेप बनने वाला है। दिस इज़ ए बी सी डी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा आंसर बनने वाला है। क्लियर है। सो ए बी सी डी, होप सो आप कर देंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सुनो मेरी बात, आपके पास क्वेश्चन क्या है, बोल रहे कि जब आपके पास पहले इधर टर्न किया गया, रोटेट किया गया, पहले आपका इधर रोटेट किया गया, फिर जो बीच में बना हमारे पास ये पोर्शन, अब इसको फिर बीच में से यहाँ से टर्न करके इधर रोटेट कर दिया गया, अब फिर क्या बनने वाला है, और उसके बाद हमें क्या शेप बना दी गई, एक ट्राइंगल बना दिया और एक हमारे पास ये शेप बना दी। अब आप एक खुद बात सोचो, सुनना मेरी बात, खुद एक बात सोचो, जब आप इसको पहले जब इधर खोलोगे, देखो पहले इस वाले फेज को आप इधर खोलने वाले हो, तो इट मीन्स ये जो U बना हुआ है, ये जो हमारे पास U बना हुआ है, इस U का इमेज कुछ ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, हाँ या ना, और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल का इमेज कुछ यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आपको पहले यही चाह, देखो ये शेप और ट्राइंगल ढूंढना है, तो ट्राइंगल तो हम ढूंढ सकते हैं इजिली, ये ट्राइंगल रहा, ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हो गए बीच में, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक शेप हमारे पास यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, हो सकता है यहाँ पे बनी हुई है, और भी चीज़ देखनी होगी हमें, मीन्स हमारे पास काफ़ी फिगर्स अभी सिमिलैरिटी में है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट हम क्या कर देंगे, मिरर इमेज लेंगे। तो चलो मिरर इमेज लेते हैं, तो मिरर इमेज लेंगे, तो अब आप एक बात सोचना, मुझे इस फिगर का यहाँ पर मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये जो ट्राइंगल था देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है इसका मिरर इमेज कुछ अपोजिट ट्राइंगल बनेगा, इस मिरर का, इस ट्राइंगल का इमेज कुछ ऐसे बनेगा, और इसका कुछ मिरर इमेज ऐसे और इसका कुछ मिरर इमेज ऐसे। समझ में आ गई, जब इसका आप नीचे, जब इसी पोर्शन को आप नीचे की तरफ खोलोगे, ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ था तो टॉप चला जाएगा बॉटम में, इस वाले मिरर ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ, जिसको अभी बीच में ही है, और जो ये वाला ट्राइंगल है इसको हमारे पास नीचे, और इसका मिरर इमेज ऐसे और इसका मिरर इमेज ऐसे। मीन्स आपको समझ में आ गई कि ट्राइंगल्स कुछ इस शेप में बनने वाले हैं, क्या ये हमारे पास पॉसिबल है, नहीं। देखो ज़रा ऊपर के ट्राइंगल देखो कैसे लटके हुए हैं, ऊपर की तरफ है, बट हमारे पास कैसे हैं, हमारे पास कैसे हैं, नीचे की तरफ है, ये हमारे पास हो सकता है, ये हमारे पास देखो इसमें यू शेप, देखो यू शेप कैसी है हमारे पास, यू शेप देखो कैसी, ऊपर की तरफ, क्या यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ यू शेप आई है, क्या नीचे की तरफ यू शेप आई है, नहीं आई। मींस ये आंसर भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब मैं देखो चीज़ें कट करके फोर्थ ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखो फोर्थ ऑप्शन। अब मुझे बताओ कि ऑप्शन नंबर सेकंड या ऑप्शन नंबर फोर्थ, मैं बात अटक गई हमारे पास सेकंड में और फोर्थ में, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे जो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, देखो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये जो ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ,
बट हमें कैसे ट्रायंगल चाहिए थे, नीचे की तरफ, तो इट मींस व्हाट, सो इट मींस व्हाट कि आपके पास क्या होगा, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ हो गए ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और ऐसे क्वेश्चन को ये हम क्या क्वेश्चन बोलते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन देखने से ही हो जाते हैं पता आपको, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का मिरर इमेज यहाँ पे, फेस का मिरर इमेज यहाँ बना दो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, आई थिंक दिस वन इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे, थोड़ा सा ब्लर है आई थिंक, चलो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, अगर आप करना चाहो तो खुद से कर सकते हो, मैं बता देता हूँ फिर भी, थोड़ा सा ब्लर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो एरो है हमारे पास नीचे की तरफ है, दिख रही है ये एरो नीचे की तरफ है, तो अगर ये हमारे पास एरो नीचे की तरफ है, जब हम इसको खोलेंगे तो कैसा होगा, ये जो नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बनेगा यही चीज़, और यहाँ पे कुछ ऐसे बनने वाली है, यहाँ पे कुछ ऐसे बनने वाली है, ठीक है। एरो हमारे पास कुछ ऐसा था, मेरी बात समझे, मेरी बात को क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा था, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल ऐसे बनने वाला है, यहाँ पे मींस बाहर की तरफ आपके ट्रायंगल बनने वाले हैं चारों के चारों। अब आप ढूंढ लो कि कहाँ पे बाहर, ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, देखो अंदर की तरफ ट्रायंगल बना हुआ है, हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास अंदर की तरफ बना हुआ है। अरे अंदर की तरफ कैसे बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो हमारे पास दो ही ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, एक दो और तीन, तो तीन ट्रायंगल हो गए ना, तो यहाँ पे दो ही ट्रायंगल है, इट मींस ये भी आपके पास केस पॉसिबल नहीं है। तो तीन ट्रायंगल की कॉपी तीन ट्रायंगल्स, इसके भी तीन ट्रायंगल्स और ये भी तीन ट्रायंगल्स, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्री ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है क्या, देखो सुनो मेरी बात, बोल रहा है कि आपके पास अगर, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यस दिस क्वेश्चन ऑलरेडी डन, सो इसका आंसर हमारे पास क्या था, आई थिंक बॉम्बे था, यस और नो, यस बॉम्बे था, क्योंकि इसकी मिरर इमेज हमारे पास इधर थी ना, तो हमारे पास इसका आंसर क्या था, सेकंड था। तो दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हो, सुनना मेरी बात, मुझे पता है कि पहले हमने इधर टर्न किया फिर हमने इधर टर्न किया, तो मींस आप पहले इधर जो ये वाला डायग्राम है इसको जब बनाओगे तो इधर बनाने वाले हो, तो हमने क्या किया, इसकी मिरर इमेज बना दी हमने इस एक्सिस के अबाउट, तो हमने मिरर इमेज बना दी। तो कैसे बनी मिरर इमेज, ये जो लाइन है तो इसकी लाइन कैसे बनने वाली है, यहाँ पे बनने वाली है, तो हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे बना दी, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है हमने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ये जो हमने इसका ऐसे बना दिया, और इस ट्रायंगल की हमने मिरर इमेज ऐसे बना दी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, मिरर इमेज बन गई। जब इसको अब आप दोबारा ओपन करोगे, देखो आप पहले तो इतने से ही चेक कर सकते हो, बट आप फिर भी मैं पूरा बता देता हूँ, जब आप इसके अबाउट आप मिरर इमेज खोलोगे तो इसका डायग्राम ऊपर बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है, तो चलो हम यहाँ बना देते हैं। कैसे, ये जो ट्रायंगल था नीचे की तरफ ये बनेगा कुछ ऐसे, इसका बनेगा कुछ ऐसे, इसका कुछ बनेगा ऐसे, और इसका बनेगा कुछ ऐसे, और ये जो नीचे था इसका हमारे पास नीचे की तरफ, इसका हमारे पास कुछ ऐसे, और ये हमारे पास कुछ ऐसे मिलके कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, देखो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, हम 8-10 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको पहले कुछ भी एक चीज़ पकड़ लो, देखो आप पहले काम करो यही चीज़ पकड़ लो आप, और देखो ज़रा, एक हमारे पास ये दो और ये तीन और ये चार, तो हमने देखो यहाँ पे तो एक, लेकिन चार किधर है, इस इधर से क्या सेंटर में दिख रहा है आपको, सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इधर तो दिख ही नहीं रहा, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे केवल दो दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, बॉम्बे सेकेंड ऑप्शन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट, दिस इज़ योर ऑल अबाउट पेपर कटिंग एंड फिगर, होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर आंसर, ठीक है, कमेंट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे उसका आप कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आपको रीजनिंग की काफ़ी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो डोंट गो ऑन विद माय हैंड राइटिंग, प्लीज़ आप हैंड राइटिंग मत जाइएगा, क्योंकि ये फिंगर से टाइपिंग हो रही है, नोट पेन से। सो आई होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा, ठीक है। सो आप मस्त रहिएगा तब तक के लिए, टेक केयर।